नमस्कार, YouTube चैनल इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है रीट एडमिट कार्ड जारी होने वाला है अगले सप्ताह, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कई आदेश सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें रीट भर्ती परीक्षा को ऐतिहासिक तो कर दिया गया है। यहाँ तक कि कैंडिडेट्स को कोई मुश्किल ना हो उसके लिए परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा का भी अवसर दिया गया है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन अभ्यर्थियों के लिए जो रीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 26 सितंबर 2021 को होने को प्रस्तावित राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट के प्रवेश पत्र अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को बताया है कि रीट एडमिट कार्ड बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं। राजस्थान बोर्ड एक तय प्रक्रिया के तहत समय पर रीट के एडमिट कार्ड जारी कर देगा। आपको बता दें कि आम तौर पर किसी प्रतियोगी परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि रीट के एडमिट कार्ड अगले सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे। इसी बीच राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को रीट के साथ ही RVU, NL, RPSC, RSSB, BEEC और RTET, रीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सेवा देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, इस वीडियो को आप रोक करके देख सकते हैं और सरकार के फ्री बस सेवा के आदेश को आप पढ़ सकते हैं। रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई हाई लेवल मीटिंग में शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि लगभग 26 लाख अभ्यर्थी 4153 केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में परीक्षा आयोजन की व्यवस्था एक 8 सदस्यीय समिति करेगी, जिसका नेतृत्व जिला कलेक्टर करेंगे। इस समिति में पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी आदि शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को केंद्र का आवंटन कंप्यूटर आधारित होगा। वह महिलाओं द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों को यथासंभव पास का परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।